हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान राना व्लॉग। और सबसे पहले तो मिलिए लियो से। अब ये बहुत बड़ा हो गया है और ये चैनल थोड़ा सा स्लो हो गया था, डाउन हो गया था, क्योंकि मैं एक्टिव नहीं हो पा रही थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी। अभी मैं एक्टिव हुई हूँ और मैं आई हूँ अपने गाँव छठ पूजा मनाने, और बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर छठ पूजा मनाया जाता है। तो मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगी, क्या किया मेरी फैमिली, कैसे सेलिब्रेट की, मैं कैसे सेलिब्रेट की, और मेरे गाँव में कैसे छठ पूजा मनाया जाता है। ओके, तो आज है खरना और मैं आपको बताऊंगी कि खरना का प्रोसेस कैसे होता है। अगर आप कब लेके बताएगी नहीं, लियो है। ठीक है, तो बड़े पापा का कहना है कि लियो को लेके ये सब पूजा का बात नहीं करना है, ये तो यहाँ का सोच, तो इसलिए लियो को थोड़ा नीचे कर देते हैं, क्योंकि बड़ों का कहना मानना है। एंड लियो, तुम नीचे जाओ। तो आज मैं बता रही हूँ कि आज है खरना और मैं थोड़ा लेट पहुँची हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा काम था। तो कैसे क्या होता है वो आपको वीडियो में दिखता रहेगा और मैं आपको बताती रहूँगी। ओके, तो अभी के लिए बाय। ये आया है कतारी, चलो अंदर लेके चलो। हेलो, अभी हम लोग के घर में बहुत ज़्यादा पूजा एंड साफ सफाई हुआ है, इसीलिए हम लोग बाहर आए कुछ खाने के लिए। यहाँ पर गाँव में एज सच कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है, तो हम लोग नॉर्मल सा एक यहाँ पे हील है स्टॉल, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो हम लोग सब आए हैं। कौन दिलवाया मेरे लिए? क्या ये लौटना बड़ा बदमाश, ये मेरे व्लॉग डिसेंट होना चाहिए। अरे ये बहुत अच्छा वर्ड है। अभी हम लोग इसके बाद, यहाँ के बाद फिर हम लोग जाएंगे, खरना होगा एंड देन फिर कल पहला अर्घ, और उसके बाद दूसरे दिन दूसरा अर्घ। पहला अर्घ कब होता है? सुबह या शाम? ये लोग खा रहे हैं चाट, ये लोग खाइए पूरा। लेट मी टेस्ट। मैं ये सब ज्यादा नहीं खाती हूँ, यू नो आई एम वेरी लाइक, आई एम वेरी लाइक फास्ट फूड, यू नो, लिया दूर दूर से कोई लाता नहीं, लाइक पेकीटो डाइट कर रही हूं। ये तीसरा प्लेट है, एक्चुअली तीसरा प्लेट खा रही है, जस्ट चाटा बन रहा है। खन्ना का प्रसाद, मम्मी, बड़ी मम्मी, मेरी प्यारी गायिका जो मेरी दादी है, उसके लिए ये माइक अर्पण भी आने थी। ये दादी अच्छा दीवा धर्मिता सुनो तेगा दानावा के ओरो बाबा, देगा दानावा के ओरो बाबा। तो फाइनली खंडना का तैयारी हो चुका है, और ये जो आप आवाज सुन रहे हैं, ये है मेरी दादी का, जो कि बहुत ही सुरीली आवाज में छठ का गीत गा रही है। और यहाँ पे खंडना की तैयारी हो चुकी है, यह बड़ी मम्मी पूरा फुल ऑन रेडी, यहाँ पे पूजा की सामग्री, और ये है मम्मी, ये भी फुल ऑन रेडी हो चुकी है खंडना के लिए। यहाँ पे सिंदूर की प्रथा, खंडना बिल्कुल एकदम शांत प्लेस में होता है, पूरा गांव शांत हो जाएगा, हमारे घर में भी सब शांत, उसके बाद फिर खंडना। 8:15 का टाइम मिला है खंडने का। अब यहाँ पे गेट लग जाएगा और एटलीस्ट 10 मिनट के लिए पूरी शांति, पूरा घर, ओए, अब सब कुछ शांत, एवरीबॉडी शांत, खड़ना स्टार्ट हो चुका है, शांत हो जाओ सबके। खड़ना हो रहा है, पूरा शांति हो जाएगा कि कल क्या पहना जाएगा। यस, गद्दा तो आ गया। यहाँ पे गांव में हम लोग का ज़्यादा प्लेस नहीं है सोने के लिए, तो हम लोग बहुत लोग आ गए हैं, इसीलिए हमारे लिए आया है ये मैट्रेस। ना हो रहा है इसलिए आवाज मत कीजिए, इतना ज्यादा लोग ही आ जाता है गांव में, ज्यादा कोई रहता नहीं है, और एकदम से कोई पूजा हो या फेस्टिवल हो तो बहुत लोग आ जाते हैं, इसीलिए ये है हम लोग को सोने के लिए। तो खन्ना कंप्लीट हो गया है, ये है मासी,
ये है खड़ना का प्रसाद, अब पूरे गांव में बटेगा, सब कोई आएगा यहाँ पे और सब कोई को ये प्रसाद मिलेगा। बहुत सारा बना है ये और बहुत ही ज्यादा टेस्टी। ये है गुड़ का और ये है चीनी का। हाँ मम्मी, दूध का तो दोनों ही है ना प्रसाद है, ये दोनों मिक्स है? नहीं चीनी है, ये चीनी है और ये गुड़ है। ओके, और ये भी है, ये है चीनी का ना, ये है चीनी का। हे तो ये है प्रसाद, लेट्स ईट। ये कौन सा टेक्निक है? ये मेरा है, इसको पकड़ के रखो ना। इसको पकड़ो ना। एक्सेलेंट, इट्स टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रसाद। इसलिए हम लोग को दादी लेके आई है प्रसाद देने के लिए। ये है प्रसाद और ये है गुड़िया दीदी, ये है मेरी दादी। प्रसाद दिखा नहीं, ये तो रहा प्रसाद, छुपा हुआ है, अभी देखेगा। मुझे ब्लॉग बनाते हुए बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रहा है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि यस मैं हर एक सीन आपको दिखाऊं और एक्सप्लेन कर सकूं। आई एम ट्राइंग। अब हम लोग का प्रसाद ख़त्म हो चुका है, इसीलिए हम लोग वापस से घर जा रहे हैं और हम लोग प्रसाद लेके आएंगे और फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दादी के साथ, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि किधर जाना, किधर किसका घर है। कोई भी गांव वाला मेरा वीडियो देखा तो दादी देखो यहाँ पे इतना मेहनत से प्रसाद बांटी है आप लोग को। बात ये है, ये बहुत ही टेस्टी प्रसाद होता है। यस, जैसे कि हम लोग प्रसाद बांटे वैसे ही अब मैं भी किसी के घर जाऊंगी खाने। यहाँ पे हो रहा है सिंगिंग का कॉम्पिटिशन, यहाँ पे मजे कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग गांव में रहते नहीं है, हम लोग बाहर ही रहते हैं, इसीलिए जब हम लोग फेस्टिवल बनाने आते हैं तो हमारे घर में टेंट से रजाई एंड मैट्रेस मंगाया जाता है। और ये हैं बड़े पापा जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, लाइक सीरियसली यहाँ पे खाना खत्म हो गया है और हम लोग के लिए कुछ बचा नहीं है, तो हम लोग कुछ भी खा रहे हैं। ये है नेक्स्ट सुबह और आज है पहला अर्घ और यहाँ पे आए हैं चूड़ी देने के लिए। ये है नियम छठ के पहले दिन में चूड़ी मिलता है। पहलता की यहाँ ठेकुआ बनते हुए आज, अभी तो बहुत कम बन रहा है, फिर रात में बनेगा पूरा रात भर। है बड़े पापा कोई? हाँ प्रसाद बन रहा है बड़े पापा। और ये है गन्ना एंड सूप। इट्स टाइम टू मेक रंगोली एंड आई एम रेडी। अभी रंगोली बनेगा एंड देन कुछ देर के बाद फिर यहाँ से दौरा निकलेगा, तो एक रंगोली यहाँ एक रंगोली गेट के पास। सो देखते हैं कैसा रंगोली बनता है, फिर आपको दिखाते हैं। स्टार्ट, फाइनली ये थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया है, ज़्यादा बाकी नहीं है। We almost done with रंगोली and look, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई एम रिक्वेस्टिंग गुड़िया दीदी कि प्लीज़ मेरा आईब्रो बना दे, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला आईब्रो बनाने का। घर की ब्यूटीशियन यस, इट्स ऑलमोस्ट डन, थैंक यू सो मच गुड़िया दीदी। यस, ये है मेरी मॉम जो कि छठ की हुई है, तो ये भी अभी रेडी होगी, तो हम लोग सब मिलते हैं रेडी होने के बाद। वहाँ पे भी दौरा सज रहा है सारे फ्रूट्स और सब कुछ के साथ,
तो अभी दौरा सज रहा है एंड हम लोग भी रेडी होने जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। बाय बाय। ये आई एम रेडी एकदम। कैसी लग रही हूँ मैं? यस, अभी मेरे घर वाले रेडी हो रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से दौरा को सजा दिया गया है। मुझे एक्चुअली दौरा निकलने के पहले ही निकलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मतलब जैसे कि नारियल वगैरह एंड फ्रूट्स वगैरह, तो इसीलिए मैं पहले जा रही हूँ ताकि जो भी दौरा आए तो मैं अपनी तरफ से कुछ डिस्ट्रीब्यूट आई मीन दान कर सकूँ अपने दिल से। सो मैं चलती हूँ। बाय। वी आर गोइंग थोड़ा पहले। अब सारा डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया है और फाइनली हम लोग नदी की तरफ जा रहे हैं। वीडियो आ जाइए। लोग अर्घ देंगे शाम का, उसके बाद कल मॉर्निंग में मॉर्निंग का अर्घ होगा एंड देन छठ पूजा का। व्यू देखो आप, कितना शानदार व्यू है। सब के सब दौरा लेके यहाँ पे छोटा सा ये नदी क्रॉस करके एंड देन फिर हम लोग वहाँ। सीरियसली बहुत ही गंदा पानी है पर इट्स ओके, मेरा पूरा लहंगा खराब हो रहा है। मैम फाइनली क्रॉस कर लिए। ये हमारा स्पॉट, यहाँ पे मम्मी और बड़ी मम्मी बैठेंगी पानी से निकलने के बाद। आपको मैं अपनी मम्मी बड़ी मम्मी से मिलाती हूँ और आंटी लोग से। ये पानी में बैठे रहते बहते पानी में जब तक अर्घ नहीं होगा। अभी जब अर्घ होगा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए वीडियो बनाना, ब्लॉग बनाना, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं जहाँ तक हो सके शूट करूँ और आप लोग को दिखाऊँ। कितना मज़ेदार यहाँ पर, सब कोई को एक दूसरे से मतलब है। गांव का छठ इज लाइक थम्स अप, थम्स अप फॉर वो नहीं बोल रहे थे बट फिर भी। ये देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दे और बेल का आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरे अगले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। अपना मुंह वगैरह धो रही है और उसके बाद फिर हम लोग अर्घ में जाएंगे, आई मीन अर्घ देंगे हम। अब यहाँ पे पूरा डांस स्टार्ट, ये है अर्घ और मेरे को बहुत ज़्यादा डांट मिलने वाला है कि मैं अर्घ में वीडियो बना रही हूँ। ब्लॉग नहीं छूटना चाहिए। ये हमारा दौरा एंड अभी हम लोग अर्घ लेंगे। लाइक होल गांव, ये सारा का सारा गांव अब एक ही टाइम पे अर्घ लेता है। मतलब सॉरी, मुझे बहुत ज्यादा डांट मिल रहा है कि जल्दी से चलो नदी में, पर इतना ज्यादा भीड़ होने के कारण मैं जा नहीं पा रही हूँ।
यहाँ पे आ रहा है, यहाँ रखाएगा और अब यहाँ पे पूजा होगा। अब पानी से मम्मी लोग निकल जाएगी, यहाँ पूजा की तैयारी चल रही है। पूजा स्टार्ट हो चुका है। मेरे बैटरी बस खत्म ही हो गया है और मैं भी बहुत ज्यादा थक गई। अभी देखते हैं कब तक अभी का वीडियो बनता है, वरना फिर आपको दूसरे दिन जो सुबह का अरब होगा उसका वीडियो आएगा। ओके, तब तक के लिए बाय। ये छन रहा है ठीक वहाँ। ये है अमित भैया, जिसको कौन सा बीमारी नहीं है। ये कौन सा शुगर मारे बस। ये दुनिया में कौन सा टैबलेट ऐसा है मेडिसिन जो नहीं खाया है। सबका टेस्ट इसका पता है। यहाँ पे ठेकवा बनाने में पड़ा है। यस, आज है दूसरा दिन और सुबह के 3 बज रहे हैं और हमें उठना पड़ा है क्योंकि आज दूसरा अर्घ है, सुबह का अर्घ। इसलिए हम लोग जल्दी से रेडी होते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हे हेलो एवरीवन, हम लोग सुबह के अर्घ के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं। कोई भी नहीं है, सब लोग जा चुके हैं, इसलिए हम लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। एक्चुअली बात यह है कि मैं अपना सैंडल खोल के चल रही हूँ ताकि स्पीड चल पाऊँ। इन दोनों को देखिए, जूम नहीं हो रहा है, जूम नहीं हो रहा है। ये दोनों जो दो लड़कियाँ हैं ये बेचारी चल ही नहीं पा रही। फाइनली वी आर हियर। तो पूरा छठ कंप्लीट हो चुका है, शाम का अर्घ भी कंप्लीट और आज ये लास्ट था सुबह का अर्घ। तो कंप्लीट होने के बाद अब सब प्रसाद मिल रहा है। लेफ्ट हैंड से लेना है, राइट हैंड छठ पूजा प्रसाद। हेलो बोलिए। यू कैन सी द लाइन ब्रो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। और सबको हैप्पी छठ पूजा। बाय।